हाय फ्रेंड्स, कुलविंदर कॉन्टेक्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हमारे जैसे कि आईफोन जो है 16 में कन्वर्टिंग हो चुके हैं और आपका एंड्रॉयड आउटर एप्पल कारप्ले हम जैसे कनेक्टिविटी करते हैं तो वो सपोर्टिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा आईफोन 16 में कन्वर्टिंग हो चुके हैं। अब वो 16 में कन्वर्टिंग होने के कारण हमारा जो है मोबाइल सिस्टम के साथ में जो वायरलेस हम कनेक्टिविटी करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होता है। वायर के साथ हो जाता है लेकिन वायरलेस नहीं होता है। तो उसकी एक सेटिंग्स होती है सिस्टम की, तो मैं आपको उस सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि सेटिंग कैसे करनी है आपको, और उसके कारण आपका फिर एप्पल कारप्ले आपका 16 जो है, जो iOS आपका जो 16 में कन्वर्टिंग हुआ है वो आपका उससे कनेक्ट हो जाएगा। आइए मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सेटिंग बताता हूँ। जैसे कि मेरा ये प्रो सीरीज है, ठीक है, एप्पल कारप्ले, इसमें जेड लिंक का एक ऐप डाला होता है। जैसे कि देखिए, जेड लिंक ऐप दिया हुआ है, इसी से हमारा वायरलेस कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा इसमें ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करके हम अपना मोबाइल को ब्लूटूथ से पेयर करना होता है और हमारा फिर डायरेक्ट इसमें ब्लूटूथ से पेयरिंग हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अब हमारे आईफोन जो 16 है, जो 16 में कन्वर्टिंग हो चुके हैं iOS, तो वो इससे वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होता है। तो इसमें एक सेटिंग करना पड़ता है जिससे कि आपका वायरलेस इससे कनेक्टिविटी होगा। अब मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाएंगे इसके, ठीक है। सेटिंग्स में हमारा एक मोर का ऑप्शन आएगा, इसमें देखिए हम मोर का, मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे। जस्ट अ मिनट, डाटा में जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ठीक है। इसमें आएगा थ्रेडिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, इस पर हम टच करेंगे, ठीक है। अब इसमें सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट में जाएंगे और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे एंड्रॉयड एपी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ कट करेंगे और एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा। एंड्रॉयड के बाद में हम यहाँ पे इसको एक डैश देंगे, अंडरस्कोर नहीं करना है, डैश देना है, ठीक है। और पासवर्ड डालेंगे 1234, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, 5 मिनट देखो, हाँ ये सेव हो गया, इसको हम सेव कर देंगे। सेव, बस इतनी सी सेटिंग करनी है हमें। इसको सेव करने के बाद हम अपना ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करेंगे आईफोन को, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करेंगे और उसके बाद हमारा वायरलेस हमारा कनेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आईफोन अपना दिखाता हूँ, आईफोन से कनेक्टिविटी करना है इसको। मेरा आईफोन 13 प्रो है, जो कि iOS वर्जन जो है 16.0 में अपग्रेड हो गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो 16 वर्जन जो है कि हमारा वायरलेस मेरा लिंक नहीं हो रहा, डाटा केबल के थ्रू चलता है। तो मैं इसकी आपको सेटिंग बता रहा हूँ, जैसे सेटिंग करके आप iOS से हमारा 16 से वो वायरलेस कनेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले हमें अपना एंड्रॉयड के सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया है, मोर पे क्लिक करेंगे, थ्रेडिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर जाएंगे, पोर्टेबल हॉटस्पॉट में फिर क्लिक, वाईफाई सेटअप में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एंड्रॉयड एपी लिखा हुआ आएगा, हमें क्या करना है, Android-1234 डालना है, Android-1234 क्लिक करके सेव कर देना है इसको, ठीक है। और सेव करके बैक करके बाहर आ जाएंगे और अपना जेड लिंक अपने मोबाइल को हम उससे ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करेंगे। ये मेरा यहाँ कनेक्टेड हो गया और यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड ऑटो, मेरे यहाँ पे ये एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस कनेक्टिविटी हो गया एप्पल कारप्ले। अब ये मेरे एप्पल कार प्ले में आईफोन जो है कनेक्टिविटी हो गया इसमें, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज है, नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे वीक है, इसलिए थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। बाकी हमारा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले स्टार्ट हो गया। और अभी ये मैंने जेड लिंक के अंदर क्या होता है, ये तो आपका वायरलेस से आप कनेक्टिविटी हो जाएगा 16 iOS 16। अब इसमें मैं एक सेटिंग और बताऊंगा, जैसे कि हमारा एक इश्यूज हो रहा था कि ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी कनेक्ट होता रहता है, यहाँ पे सर्कल घूमता रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, ठीक है,
और इसमें जो बैकग्राउंड कनेक्टिविटी कनेक्शन दिए होते हैं इसको हमें ऑफ रखना है, ठीक है। ऑफ कर देंगे, ऑफ करके बैक करके बाहर आ जाएंगे और अपना वाईफाई से फिर हम अपना, जैसे हमने पर्सनल हॉटस्पॉट दिया है, वाईफाई से अपना यूट्यूब वगैरह प्ले कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले चलाना है तो उसमें उसी ऐप्स में वापस जाएंगे, इसी ऐप्स में वापस जाकर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाकर इसको हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कनेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है सर। अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।